भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चेन्नई में दूसरा टेस्ट मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर टीम इंडिया पूरे तरीके से अंग्रेजों पर अपना दबदबा बनाए हुए है और भारतीय टीम यहाँ पर अंग्रेजों को खदेड़ने की पूरे तरीके से तैयारी कर रही है। भारतीय टीम ने अंग्रेजों के 6 विकेट गिरा दिए हैं और अब ऐसा लगता है कि टीम इंडिया यहां पर जल्द से जल्द अंग्रेजों को ऑल आउट करने की फिराक में बैठी हुई है। 87/6 फिलहाल इंग्लिश टीम का स्कोर है, लेकिन 6ठे विकेट के रूप में ओली पोप का विकेट इंग्लैंड का गिरा और काफ़ी शानदार कैच यहां पर ऋषभ पंत ने लपका। महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में यहां पर ऋषभ पंत ने शानदार कैच लपका और आपको बता दें कि शायद यही वजह थी कि ऋषभ पंत को जो भारत का अगला MS धोनी कहा जाता है उन्होंने वो करके भी दिखाया है। जिस तरीके के अंदाज में ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की उसके बाद अब कीपिंग में भी वो अपना जौहर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज ने थोड़ी सी गेंद को आउट स्विंग करके डाली थी जिसका ओली पोप शॉर्ट बॉल पे पुल करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद सीधा ऋषभ पंत के उल्टे साइड गई और उन्होंने हवा में उल्टा घूमकर एक शानदार कैच लपका जिसके बाद हर कोई यहाँ पर पंत की जमकर तारीफ कर रहा है। ऋषभ पंत का सुपरमैन कैच देखकर पूरी टीम हैरान हो गई थी। पूरी टीम ने पंत को इसके बाद बधाई दी और जमकर पंत की तारीफ भी की। यही वजह है कि टीम इंडिया की ये स्पिरिट एक बार फिर लौट आई है। पहले टेस्ट में बुरी तरीके से पिछड़ने के बाद अब भारतीय टीम पूरे तरीके से अंग्रेज़ों को अपना शिकार बना रही है और अंग्रेज़ों पर दबाव बना कर रखे हुए हैं। अब देखना है कि भारतीय टीम कितना जल्दी इंग्लिश टीम को समेटती है। अभी भी फॉलो ऑन बचाने के लिए इंग्लिश टीम को 43 रन और चाहिए। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।